नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। छिपांदा में पुलिस ऑफिस से चंद कदम दूर बैंक में पैसा निकालने आए एक रिटायर्ड दरोगा की बाइक सवार लुटेरों द्वारा पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाके कचहरी परिषद में बने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के नजदीक का है। हत्यारे मृतक के गांव के ही बताए जा रहे हैं। बैंक से पैसा निकाल कर जाते समय घात लगाए बैठे लुटेरों ने मृतक के ऊपर बैंक के नजदीक ही हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ प्रहार कर पैसे लूटकर भागने लगे। तभी मृतक के लड़के ने एक लुटेरों को धर दबोच लिया और दूसरा फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड दरोगा ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुटी। पेश है बांदा से अरवाज खान की एक खास रिपोर्ट। कहाँ गए थे पैसा निकालने? यही स्टेट बैंक। हाँ, तो क्या हुआ है? पैसा फिर निकाल के पिंजिन लाए 50,000। अब बस उठा का दिया हुआ है वह राम सिविल तो हर बार बीमारी सी। अब वो भाई तके रहा है ना, दू तीन दगा है, हमें पता नहीं रहा की कहे का वो कर जाते। अब बस अब निकाल के पैसा वो 50,000 दे मार भाई मारी सी पैसा और मार के फिर मुहिम हुआ करे लाद। तो महावती कहा तो महारानी और कहा मार तो लाद हो गया। कितने लोग थे मारने में? दो जने रहे। दो जने किस चीज से मारा है? किस चीज से मारा है? हाथन की मार से। हाथन से मार ही को धुक मार वकरवाई। क्या हुआ, खत्म हो गए हैं? थोड़ी दूर रुके हैं, थोड़ी दा वो भाग गए हैं, थोड़ी दा रुके हैं। अब तो क्या खत्म हो गए? हाँ, कौन थे वो आपके? मेरे पति है भाई। पुलिस में थे ये? हाँ। कहाँ पे थे? उरई माँ। उरई में थे? धनपुरा माँ। अच्छा, कितने साल पहले रिटायर? कितने साल पहले रिटायर हुए हैं? 3 साल हो गए हैं, 4 साल या फिर ज्यादा नहीं। रिटायर हो गए? हाँ। अब अभी मैं आओ थी चौकी में हुए आओ थी, अब काल का दता हुए की आओ तो काका जी दवा की बोले तो वो दरो बनकाओ नहीं कर दिया। जो जो मारा था वो तुम्हारे गाँव के है? क्या नाम है उनका? गाम सुबील था। तुम्हारी बिरादरी है? हाँ, बिरादरी है। तुम पापा को लेके पैसे निकलाने पेंशन आए थे, वो रिटायरमेंट दरोगा है, तो उनकी पेंशन लेने के लिए हम स्टेट बैंक आए थे। तो वहाँ पर पापा जैसे थके हुए थे तो हम थोड़ा सा बैठा दिए था। तो गांव का एक गाम सुबील नाम का व्यक्ति और उसके साथ एक नंदू, तो मैंने दोनों को एक बार चलते हुए वहां से गुजरा हुआ देखा। जब पापा का जब पैसे निकाल लिए, मतलब जब वापस वहां से निकले हम पापा को लेके, तो वो घात लगाए बैठे थे। पापा से 50,000 रुपए जब जल्दी छीन लिए जैसे ही, और 2-3 मुक्का जल्दी जल्दी पापा के यही मार दिए, तो पापा की मृत्यु। फिर इसके बाद अभी तक कोई पकड़ गया? सर, एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया था जर्मोट के पब्लिक के बीच में वहीं कचहरी में। सर, इसके बाद लोगों ने कहने लगे कि डॉक्टर के पास ले जाओ, तो हम सर यहाँ जिला अस्पताल आ गए। जिला अस्पताल लाने के बाद क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मृत्यु। अच्छा, पैसा लेके भाग गया वो? सर 50,000 रुपए थे। कौन से बैंक से निकाला था? है सर, बैंक से कौन से निकाला था? स्टेट बैंक सर। अभी एक 70 साल की करीब उम्र है, पहले अवस्था में लाए गए। ये निवाइस गाँव है, पहला थाना ज्यादा करता है, वहाँ से लाए गए हमारे यहाँ अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए। और ये परिजनों का ये आरोप है कि ये बता रहे थे कि ये बैंक में पैसा निकालने गए, वहाँ छीना झपटी में कुछ बदमाशों ने इनको मार पीट की है और पैसा ले गए, तो वही इनकी मौत मौके पर हो गई है। बाड़ी को पोस्टमार्टम करवा के भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद पता चले कि जो है मौत कैसे हुई है। कोतवाली नगर बांदा का ये मामला है, तो जो मृतक हैं उनके परिजनों का ऐसा आरोप है कि किसी ने इनको पीटा जिसके कारण इनकी डेथ हो गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी पूरी गहराई से छानबीन की जा रही है। बॉडी का पंचायतनामा करवा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी अगली कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनेगी उसके तरफ पर तकलीफ करवाया जा रहा है।